बहनों भाई और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं केसकिंग ऑयल के बारे में, यानी कि इसको कब, कैसे और क्यों नहीं लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस तेल के फायदे के बारे में। दोस्तों अगर आपकी मेन फोल की प्रॉब्लम है, यानी कि डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप इन दिक्कत में भी इस तेल को लगा सकते हो। या आपके बाल झड़ते हैं, आप जब नहाते हो या जब कंघा करते हो आपके बाल झड़ते हैं, तो आप इस दिक्कत में भी इस तेल को यूज कर सकते हो। या आपके बाल टूटते हो, इस दिक्कत में भी आप इसको यूज कर सकते हो। या फिर आपके बाल डैमेज हो गए हैं, आप इस दिक्कत में भी इसको यूज कर सकते हैं। या बालों में फ्यास होती हो, आप इस दिक्कत में भी यूज कर सकते हो। और ये आपके बाल भी बढ़ाता है, यानी कि जो बाल आपके उड़ चुके हैं उनको ये बढ़ाता है। या बाल ना आना हो उन दिक्कत में भी आप इसको यूज कर सकते हो। या बालों में चिपचिपाहट सा रहता हो, आप इस दिक्कत में भी इसे यूज कर सकते हो। या आपके बालों में खुजली होती हो, आपके बालों में खुजली सा महसूस होता हो, खुजाने का मन करता हो, आप उसमें भी इसको यूज कर सकते हो। या बालों में कमी आ गई हो, आप इसमें भी इसे यूज कर सकते हो। बालों की जड़ें मजबूत करता है, यानी कि अंदर तक बालों की नसों तक ये तेल पहुंचता है और फिर ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है, जिससे कि आपके बालों की टूटने की समस्या, झड़ने की समस्या, बाल की डैमेज होता है या फिर आपके बाल में फ्यास होता है, चिपचिपाट होता है, उसको ये दूर करता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ उम्र से पहले सफेद बाल हो जाते हैं, उस दिक्कत को भी ये दूर करता है। और यह ज्यादातर बाल झड़ने को भी रोकता है, या गंजापन हो उसको भी दूर करता है। दोस्तों अब हम इसकी यूज करने के तरीके के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपको रात में सोते हुए सोने से 30 मिनट पहले आपको अपने बालों में अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरीके से जेंटल तरीके से मसाज करें। लड़के हो या लड़कियां, अगर लड़के हैं तो कोशिश करें, आपके बाल छोटे होने चाहिए अगर लड़के हैं। और आप सभी को इस तेल को अच्छी तरीके से जड़ों में इसकी मसाज करें 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद यह रात भर आपको बालों में लगा रहने दे। और मैन हो या मैन, यानी लड़का हो या लड़कियां, जिससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपके बालों में जो कमी थी वे दूर हो जाएगी। लड़के हो या लड़कियां, दोस्तों अगर आप इस तेल को सुबह लगाते हो तो आपको इसका रिजल्ट डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि तेल को लगाने के बाद आपको बाहर भी जाना पड़ता है और पॉल्यूशन, धूल, डस्ट का झंझट रहता है, और ये तेल अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो ज्यादा अच्छा यही रहेगा जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया है। दोस्तों मैंने आपको इस तेल के यूज करने के बारे में बताया है, इसको कब लगाना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट है और इसके क्या फायदे हैं। दोस्तों अगर आपको इससे भी हटकर कोई मेरे से सवाल करना हो तो दोस्तों आप मेरे पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट का विस्तार रूप से जवाब दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थी केसकिंग ऑयल की फुल इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।